पर मुझे पता था तेरे ऐसे कोई बकवास से प्लान्स होंगे। मैं नहीं जा रहा तेरे चोरी की गाड़ी में यार, अजीब आदमी है। और अगर चला गया ना तो सीधा जेल जाऊंगा, उसके बाद ना मुझे कोई नौकरी देगा, नौकरी तो क्या मुझे कोई रेड़ी पे नहीं रखेगा यार। और मेरे अब्बा वो तो मुझे घर से ही बेदखल करते हैं। क्या हो गया यार, कौन कह रहा है चोरी की गाड़ी में? लोग आते हैं सुबह ऑफिस में पार्क कर देते हैं गाड़ी, शाम तक गाड़ी पार्क ही रहती है। हमने लेके जानी है, लंच से पहले वापस लाकर खड़ी कर देनी, गार्ड से सेटिंग हो गई, वो संभाल लेगा यार। नहीं नहीं नहीं, चल भाग यहाँ से, मुझे तेरे दो नंबर गाँव में नहीं आना। कोई दो नंबर ही नहीं है, गार्ड को पैसे दिए हुए इस चीज के, और वैसे भी गाड़ियां शाम तक खड़ी रहती हैं, फारिग हैं, हम ले जाएंगे तो उनका क्या नुकसान होगा यार? सोच ना तू, बल्कि तू वो ना सोच, तू इंटरव्यू के बारे में सोच यार। तू देख ले यार, ये गलत, एक दफा फिर सोच ले। कुछ गलत नहीं, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा, और अगर बहुत भी कुछ मसला हो गया तो गार्ड पे डाल देंगे। क्या हो गया? हाँ तो इंटरव्यू के बारे में सोच, इंटरव्यू में जाके क्या बात करनी है तुझे, क्या बोलना है? इस दफा बहुत कॉन्फिडेंस है, गाड़ी से उतरेगा एक अलग कॉन्फिडेंस होगा तेरा, रिक्शे वाला कॉन्फिडेंस थोड़ी होगा। समझ रहे? समझ रहे ना? चल आ जा, बस इतनी सी बात है। और देख, बातें करते करते हम पहुंच भी गए। ये घड़ी हमारी सफेद शहजादी। देखो गार्ड कैसे चला गया, गार्ड नजर नहीं आ रहा भाई। अरे बल्कि मुझे याद आया, उसे कहा था कि चाबी गाड़ी के अंदर ही लगी, छोड़ दूंगा मैं, चेक करता हूँ एक मिनट। ये देखो क्या है, बैठो 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 यार। अरे बैठ ही यार, क्या हो गया, क्यों टेंशन ले रहा, पैसे दिए हुए हमने। चले फिर, चले चले चले। एसी गलत गाड़ी है यार, एक और पटी, हम लोग का वापस मकरन जाना ही पड़ेगा ना।